हड्डियां बोलते हैं प्रॉपर्टीज जो हैं, लॉ की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। सेकंड है लॉग ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए टू द पावर एन, ये हो जाता है एन लॉग ए। ठीक है, कि लॉग के आगे अगर कोई भी टर्म लिखी हुई है, लॉग के आगे अगर कोई भी टर्म लिखी हुई है उसकी पावर में एन लिखा हुआ है तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई में आ जाता है, एन लॉग ए हो जाता है, ये होता है। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा, जैसे ये तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका मैं इस्तेमाल करूँगा, है ना। और ये कब करा जाता है, जब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ दे रखी हो, मतलब जब खास तौर पर जब ऐसा होता है ना कि हमको कोई भी एक्स वाली टर्म जो है वो पावर में दे रखी हो, तो तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो जरा देखिएगा, जैसे मैं एक्सरसाइज 5.5 है तो 5.5 के कुछ क्वेश्चन देखूँगा। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो तीन लॉगरिथमिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, इसका अभी डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, बताता हूँ अभी कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 5.5 का ठीक है, अभी इसमें डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ लॉग की है। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, 7 में क्या है, लॉग एक्स की होल पावर एक्स, हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या दे रखा है, लॉग एक्स की होल पावर एक्स, जो भी फंक्शन हमको दे दिया जाता है उसको हम वाई मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। तो जब भी कभी हमें पावर में एक्स वाली टर्म मिलती है, तो यहाँ पर देखिए पावर में एक्स वाली टर्म मिल रही है, तो हम इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है कि इसमें भी पावर में एक्स वाली टर्म है, इसमें भी पावर में एक्स वाली टर्म है, तो दोनों को बिल्कुल अलग अलग हम अलग अलग फंक्शन मार्क कर करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इसको यू मान लो, और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इसको भी मान लो। मतलब ये जो है लॉग एक्स की होल पावर एक्स, इसको मैंने मान लिया यू, और एक्स की पावर लॉग एक्स, इसको मैंने मान लिया वी, इसको वी मान लिया। अब हम ये कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बोलने के बाद में फिर अब हमारा अगला टारगेट है कि हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट करें। तो यू पर आ जाइए, यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, लॉग एक्स की होल पावर एक्स। तो जब भी कभी मेरे को दिखाई देगा कि एक्स वाली टर्म मेरे को पावर में दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँगा। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो याद रखना, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको लॉग लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स, सॉरी log u is equal to log of log x की होल पावर x। ठीक है, ये करने के बाद में दोनों तरफ log लेने के बाद में फिर आ जाइए log की जो हमने प्रॉपर्टीज करी है, क्या है, log of log x की होल पावर x।
लॉग के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो उसकी पावर में अगर कोई चीज आ रही है ना, लॉग के आगे जो लिखा हुआ है उसकी पावर में, पूरे की पावर में नहीं, लॉग के आगे जो लिखा हुआ है, तो लॉग के आगे क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स, और इसकी पावर क्या है, एक्स, ये फ्रंट में आ जाएगा, ये एक्स फ्रंट में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। यहां तक बता दीजिए कोई सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? यस सर। यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब लॉग यू को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स। तो जब इसको करेंगे तो सबसे पहले तो लॉग को करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन यू। जब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है वन अपॉन एक्स। अब जब लॉग यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन यू, तो ये हो गया वन अपॉन यू। फिर यू को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक्स है और ये है लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो पहले एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा लॉग को, तो पहले लॉग डिफरेंशिएट होगा, फिर लॉग के अंदर लॉग है, फिर वो डिफरेंशिएट होगा, फिर एक्स डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स तो ये वाला एक्स में एज़ इट इज़ जब इसको करेंगे तो लॉग के आगे जो भी लिखा रहता है वो उसको पटक कर डिनोमिनेटर में ले आता है। तो लॉग का डिफरेंशियल ये है कि लॉग के आगे जो भी लिखा है, लिखा हुआ है, वो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है, रेसिप्रोकल कर देता है उसको। तो लॉग के आगे क्या लिखा है, लॉग एक्स, इसका हो गया वन अपॉन लॉग एक्स। फिर क्या डिफरेंशिएट होगा, लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर लॉग के आगे क्या लिखा एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जिसको हमें करने की वैसे जरूरत नहीं होती, करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल वन होता है पता है, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स ये हो गया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन। अब क्या करिए, डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर है और ये वन अपॉन यू था, तो यू उधर चला जाएगा, u इधर चला गया, ये हो गया x, ये हो गया 1 upon log x। जब d by dx of log x करेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon x और x का differential is 1, इस x से x कर गया, plus log of log x। तो du by dx is equal to, du by dx is equal to, अब जो u है वो क्या था हमारे पास, u तो u की वैल्यू थी log x की होल पावर x, तो u की जगह लिखेंगे log x की होल पावर x और फिर ब्रैकेट में आ गया 1 upon log x plus log of log x, 1 upon log x plus log of log x। तो ये हमारे पास du by dx आ गया। यहां तक बता दीजिए सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, बताओ भाई आदित्य समझ गए? यस सर। ठीक है ईशिका समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अब v देखिए, v क्या है, x की पावर log x। अब v का काम करते हैं, v इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर log x, x की पावर log x। तो अगेन मुझे x वाली टर्म कहाँ दिख रही है, पावर में दिखाई दे रही है, तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log on both sides, दोनों तरफ log ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा log v is equal to log of x की पावर log x. तो log के आगे क्या लिखा हुआ है x और x की पावर में log x है, तो ये log x यहाँ फ्रंट में आ जाएगा. तो ये हो गया log v is equal to, ये जो पावर में log x है ये फ्रंट में आ गया log x into log x. अच्छा log x into log x क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर log v is equal to हो गया log x का होल स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करिए, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जो v है, v का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v log v का 1 अपॉन v, और फिर v का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dv / dx is equal to log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 log x, सबसे पहले तो हो गया 2 log x, फिर dy dx ऑफ log x, 2 log x और dy dx ऑफ log x, तो 1 upon v dv by dx is equal to 2 log x, और जब dy dx करेंगे ना log x का, तो वो 1 upon x हो जाएगा, 2 log x multiplied by 1 upon x. तो dv by dx v को उधर ले जाइए, तो v into 2 log x upon x. अब v जो है, v की जो original value थी वो रख दीजिए, x की power log x. v की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर log x. तो dv by dx is equal to x की पावर log x into 2 log x upon x. ये dv by dx हो गया, ये du by dx हो गया. therefore from equation 1, अब जरा equation 1 पर आ जाइए, है ना. तो equation 1 क्या कहती है, dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. अब du by dx कितना है, log x की whole power x, ठीक है, और into 1 upon log x plus log of log x. ठीक है जी, तो ये तो dv by dx होगा. अब plus dv by dx plus dv by dx और ऐड करो, ये क्या हो जाएगा, x की पावर log x into 2 log x upon x. बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर. ठीक है, और देख लीजिए इसका कोई और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 8. हाँ जी बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 लॉग से सॉल्व होगा. हाँ, लॉग से कर लीजिए इसको सॉल्व, बड़े आसानी से होगा. देखो बताता हूँ, लॉग की पहली प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें. मैं भी सोच रहा था क्वेश्चन नंबर 1 बता दूँ, चलिए ये मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बताता हूँ. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन टर्म से मल्टीप्लाई करो कि हम या तो पहले दो को सिंगल फंक्शन मानकर और तीसरे को दूसरा फंक्शन मानकर प्रोडक्ट रूल एक बार लगाओ फिर दूसरी बार लगाओ, और ज़्यादा बेटर क्या है कि लॉगरिथम से कर लो. लॉगरिथम से ना ये दो स्टेप में हो जाना है इसमें. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो क्या है, कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x. तो y हो गया cos x into cos 2x into cos 3x. तो ये तीन फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है. अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शन दे रखे होते जो मल्टीप्लाई हो रहे होते आपस में, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल लगा देते. इसमें क्या है, लॉग लगाने से बड़ी आसानी हो जाएगी. देखिए कैसे ऐसा होता है, हम यहाँ पर सीधा बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. देखिए इस इनमें पावर में x नहीं दे रखा है,
तो लॉग लगाना कंपलसरी नहीं है, लॉग से करना कंपलसरी नहीं है। हाँ पावर में अगर एक्स दे रखा होता फिर वो क्वेश्चन लॉग से ही होता, नहीं तो वो होता ही नहीं है सॉल्व। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के रिपीटेड एप्लीकेशन से भी हो सकते हैं और लॉगरिथम से कैसे होगा वो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिएगा हमने कहा टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स कॉस टू एक्स और कॉस थ्री एक्स। हमने ये देखा लॉग के अंदर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको स्प्लिट करके और बीच में एडिशन का साइन लगा देते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख देते हैं। ठीक है, अब तीन हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, तीनों को स्प्लिट करके बीच में एडिशन का साइन लगा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। ये हो गया, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा अपॉन वाई, फिर जब वाई को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, फिर जब इसको करेंगे लॉग को तो लॉग तो अपने आगे लिखे हुए टर्म को डिनोमिनेटर में ले आता है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, फिर जब एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स करके लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ, समझ गया मेरी बात, समझ रहे हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि जैसे लॉग ऑफ कॉस एक्स है पहले हो गया वन अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को करा तो हो गया माइनस साइन एक्स, फिर एक्स को करा तो हो गया वन। ठीक है, फिर अगला देखेंगे तो अगला क्या है लॉग कॉस टू एक्स, तो इसको जब लॉग को करा तो ये हो गया वन अपॉन कॉस टू एक्स। ठीक है, फिर जब कॉस को करा ये क्या हो गया माइनस साइन टू एक्स। ठीक, और फिर जब टू एक्स को करा तो ये हो गया टू। ठीक, आगे चलते हैं, प्लस जब इसको करा ये हो गया वन अपॉन कॉस थ्री एक्स, फिर जब कॉस थ्री एक्स को करा ये हो गया माइनस साइन थ्री एक्स, और फिर जब 3x को करा तो ये हो गया 3, ये 3 हो गया। अब करिए और थोड़ा सा सिंपलीफाई, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स, तो लिखेंगे माइनस टेन एक्स, फिर माइनस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स माइनस टेन टू एक्स, और टू भी है मल्टीप्लाई में तो लिखेंगे माइनस टू टेन टू एक्स। वही कहानी यहाँ पर कि साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स, और थ्री और माइनस साइन भी हो तो माइनस थ्री टेन थ्री एक्स, ये हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई और माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स और माइनस थ्री टेन एक्स, ये हो गया। इसके बाद ये जो y है ना, इस y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो लिखेंगे, आगे लिख रहा हूँ उसको, y की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो लिखेंगे, क्या हो जाएगा y की वैल्यू थी cos x cos 2x cos 3x, therefore dy by dx dy by dx is equal to cos x cos 2x cos 3x with a minus sign। क्यों? क्योंकि इसके साथ में ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा tan x प्लस tan 2 tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। बताइए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
बस जी इतना कर लीजिए आज के लिए, बहुत है, और कल मैं इंटीग्रेशन करवाता हूँ आपको आगे कंटिन्यू। और दो लास्ट के एक्सरसाइज के जो था, एक्सरसाइज जो सेकंड है उसके लास्ट के दो क्वेश्चन मैंने बोला था, बस वो छोड़ दें, बाकी सारे करके लाने, ठीक है? तो कल रेगुलर टाइम पर 5:30 बजे मिलते हैं, ठीक है? चलिए जी, ओके।